रह गया है कि मैं छात्र हितों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और कॉलेज की कोई भी समस्या हो और छात्र हितों के लिए हमेशा आगे रहूंगा। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा इन छात्र हितों के लिए? मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कॉलेज का कि किसी भी छात्र या छात्रा को परेशानी नहीं आने दूंगा और अच्छी साफ सफाई और एक कैंटीन की व्यवस्था और गर्ल्स हॉस्टल वो चालू किया जाए। इससे पहले भी कई वादे हुए हैं, कई छात्र नेता यहाँ से जीत के गए लेकिन आज वो वादे जो है वो अधूरे हैं, तो क्या सपना है आपका? हमारा सपना है कि जो वादे नहीं हुए वो हम उसको हम पूरा करेंगे। उसके लिए प्रिंसिपल सर को बताएंगे, अगर फिर भी प्रिंसिपल सर हमारी सर मांग नहीं करते तो इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। क्या लक्ष्य रखा है जीत को लेकर आपने? किस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में जुटे हैं आप? हम कॉलेज कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके अलावा गांव टू गांव वो अभी कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, सिटी टू सिटी, घर टू घर, बिल्कुल कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? विकास बेरवा, NSC अध्यक्ष पद है। तो इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और 365 दिन हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। उनको किसी भी कैंपस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो उसके लिए उनकी बातों को हम आगे तक पहुँचाएंगे। और किसी भी मतलब हमारे यहाँ पे कॉलेज परिसर में छात्रों के हित में मतलब हमेशा काम करेंगे, उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने देंगे। चुनाव लड़ने का क्या कारण क्या है आपका, क्या किस तरह से छात्र हितों की आप और करेंगे? क्योंकि हर बार जब यहाँ चुनाव होते हैं तो वादे तो किए जाते हैं लेकिन आज तक उन पर फोकस नहीं किया गया, तो आप किस तरह से उनको पूरा करेंगे? देखो, हमें तो नेता बनना नहीं है, हमें नेता छात्र हितों के बीच में रहकर उनके सहयोग में हमेशा भूमिका निभाएंगे, 365 दिन काम करेंगे और हमारा नेता बनने का काम नहीं है। क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप जीत को लेकर? मतलब लक्ष्य लेके भाइयों का साथ होगा तो हम जीतेंगे, मतलब और इनके मतलब कैंपस में किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी तो उसको मतलब सॉल्व करेंगे और आगे तक पहुँचाएंगे। ठीक है, आपका नाम? बलराम छणम, अध्यक्ष।